नमस्कार, गोला स्टेशन से ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोला स्टेशन पर कार्यों में अब तेज़ी आ गई है। यहाँ पर अब रात में भी निर्माण कार्य जो है, ट्रैक वर्क हो या जो बाकी के फिनिशिंग अब होनी है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो सिविल वर्क्स हैं, रात दिन गोला स्टेशन पर काम चल रहा है। क्योंकि सितंबर के महीने में ही सितंबर में CRS इंस्पेक्शन कराए जाने की उम्मीद है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्दी ही जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हैं, लखीमपुर से आगे मैलानी जंक्शन तक उनका निरीक्षण होगा रेल संरक्षा आयुक्त का, और CRS इंस्पेक्शन के बाद स्पीड ट्रायल होगा इस रेलखंड पर, जिसके लिए तैयारियां अब ज़ोरों पर हैं। क्योंकि काम जो थोड़ा बहुत बचा है वो गोला स्टेशन पर ही बचा है। सिविल वर्क, ट्रैक वर्क यहाँ पर सब पूरा हो गया है, पैनल रूम कंप्लीट है, सिग्नल्स जल रहे हैं, LED लाइट्स लग गई हैं, और जो बचे हुए काम हैं फुटओवर ब्रिज को पेंट वगैरह होने के, वो भी पूरे हो गए हैं। ट्रैक पर पेंट हो रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो कार्य चल रहा है उसमें अब तेज़ी आ गई है फ्लोरिंग को कंप्लीट करने की। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा सामने आप देख सकते हैं, छत है, सेट आ गया है और मजदूर मिलती यहाँ पे आप दिखाई दे रहे होंगे, लेबर। ऊपर बादल छाए हुए हैं और रात दिन गोला स्टेशन पर जो निर्माण कार्य है बहुत तेज़ गति के साथ चल रहा है। क्योंकि इसी महीने सितंबर में ही अब मैलानी तक CRS इंस्पेक्शन कराए जाने की उम्मीद है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और RVNL की पूरी कोशिश है कि हम सितंबर में ही ये हैंडओवर कर दे प्रोजेक्ट मैलानी जंक्शन तक, जो लखनऊ डिवीज़न का काम है वो पूरा हो जाए, और लखीमपुर तक, जैसा कि आपको पता है 28 तारीख से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो गया आमान परिवर्तन के बाद, लगभग 2 वर्ष 10 महीने के बाद, तो अब आगे रेलगाड़ियों का जो रास्ता है वो साफ़ हो जाए और मैलानी जंक्शन तक विस्तार हो जाए, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। रात दिन युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का देखिए, जो टीन शेड है ये पूरा हो गया है कम्प्लीट, यहाँ पर बेंचेस वगैरह भी लग गई हैं और मोटरसाइकिलें अभी आपको दिख रही होंगी, बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है, तो अभी काम चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठेकेदार और जो तमाम मजदूर हैं, तो अभी फिनिशिंग बस चल रही है ये आप समझ लीजिए, जिसमें स्पेशली जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ का काम है उसको पूरा किया जा रहा है जल्द से जल्द। और इधर जो साइड में लाइन है इसमें आगे गुड्स ट्रेन वगैरह की जब लोडिंग अनलोडिंग होगी तो वो भी CC वर्क जो था वो भी सब कंप्लीट हो गया है 3 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने। और इधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो अब शेल्टर लगाए जाने का काम है उसमें तेज़ी आ रही है, उसको पूरा किया जाएगा। और फ्लोरिंग का काम जो है कोटा स्टोन के टाइल्स लगा करके उसको भी जल्द से जल्द इसी महीने पूरा करने की कोशिश, ताकि फिर CRS इंस्पेक्शन हो सके। तो ये गोला स्टेशन का देखिए ताज़ा अपडेट, आज का हाल प्रशांत और गौरव ने भेजा है। तो ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किस प्रकार से कोटा टाइल्स लगाए जा रहे हैं तेज़ी के साथ, और ऊपर शेल्टर्स पर भी आपको लेबर दिख रही होगी, चढ़े हुए हैं लोग। और इधर के अंदर आने का रास्ता जो है उधर भी सब टाइल्स फटाफट सब लगाए जा रहे हैं, तेज़ी से काम हो रहा है। सितंबर में फिर CRS इंस्पेक्शन कराया जा सके वो अब सबसे मुख्य बात उभर के आ रही है सामने, कि लखीमपुर से आगे मैलानी जंक्शन तक, क्योंकि मैलानी जंक्शन पर भी नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा हो चुका है, वहाँ पर भी कार्यों को फिनिश किया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत बड़ा गैंग लगा हुआ है, काफ़ी सारे मजदूर लगे हैं, पूर्व में आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी था। और यहाँ पर भी देखिए ट्रैक को किस प्रकार से पेंट करके तैयार किया जा रहा है, ताकि फिर सितंबर में ही CRS इंस्पेक्शन हो जाए और फिर रेलगाड़ियों का जो संचालन है आगे कम से कम दिवाली तक मिल जाए। तो ये ऊपर फुट ओवर ब्रिज आप देखिए, पैदल पुल किस प्रकार से पूरा फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो गया है बिल्कुल, पेंट वगैरह सब हो गए हैं, टाइल्स लग गए हैं और बिल्कुल चमचमाता हुआ। तो जितने भी काम है गोला स्टेशन पर, लगभग मान के चलिए कि 95% अगर मैं कहूँ तो वो अब पूरे हो गए, और 5% का जो ये काम बचा हुआ है, ये रैंप है देखिए इधर से, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 के सामने का दृश्य फुट ओवर ब्रिज से, जहाँ पर मालगाड़ियों के लिए लाइन दी गई है, भविष्य में आगे लोडिंग अनलोडिंग यहीं से होगी। और ये फुट ओवर ब्रिज से आप देखिए, फिर इधर ये लखीमपुर की दिशा, तो
तो कार्य रात दिन बहुत तेज़ी से चल रहा है ताकि जल्द से जल्द लखीमपुर से आगे मैलानी जंक्शन तक रेलगाड़ियों का विस्तार किया जा सके और लोगों को ये सुविधा मिले जल्द से जल्द।